बॉलीवुड इंडस्ट्री की हॉट स्टार किड न्यासा देवगन अपने पापा अजय देवगन से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। न्यासा अपने पापा को अपना लकी चार्म मानती हैं, क्योंकि न्यासा को पता है कि अगर ये अपने पापा को कुछ कह दे तो इनके पापा वो कर ही देंगे। साथ ही न्यासा की यह खुशकिस्मती है कि अजय देवगन इनके प्राउड फादर है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि न्यासा देवगन अपने पिता अजय देवगन के बाद एक और शख्स को अपना लकी चार्म मानती हैं, जिन्हें ये पसंद भी करती हैं? तो आखिरकार कौन है वो लकी चार्म जिन पर ये अपने पापा से ज्यादा भरोसा करने लगी हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो के जरिए, पर उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सिंघम कहलाने वाले अभिनेता अजय देवगन की प्यारी बेटी न्यासा देवगन इनकी लकी चार्म है। जब से न्यासा ने इनके घर में जन्म लिया है, तब से इनके घर में आज तक पैसों की कमी नहीं हुई है। वहीं न्यासा भी अपने पापा को अपना लकी चार्म अपनी किस्मत समझती हैं, क्योंकि न्यासा ने जो जो अपने पिता से मांगा उनके पिता ने उन्हें वो सब लाकर दिया। इनका हर एक वो सपना पूरा किया जो इन्होंने देखा था। यहाँ तक कि न्यासा के कहने पर ही अजय ने अपने से दूर उन्हें लंदन पढ़ने के लिए भेजा। पर अब न्यासा की जिंदगी में एक शख्स आ चुका है जो न्यासा का प्रेजेंट लकी चार्म माना जा रहा है। अजय के बाद इस शख्स ने ही न्यासा की किस्मत चमकाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इनके साथ 24 घंटे रहने वाले वेदांत महाजन की, जो इनके साथ 2-3 महीने से लगातार लाइमलाइट में सुर्खियों का हिस्सा बन रहे हैं और खबरों के अकॉर्डिंग ये एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। दरअसल बात इतनी सी है कि जब न्यासा कुछ समय पहले इंडिया आई थी, तब उनका अफेयर यशवर्धन आहूजा से हो गया था, जिनके साथ वे सीरियस थे। पर यशवर्धन आहूजा इनके फॉरेन स्टडी को लेकर काफी ज्यादा डोमिनेटेड थे, जिसकी वजह से न्यासा ब्रेकअप करके लंदन चली गई और लंदन में ये काफी उदास रहती थी। पर जब इनकी मुलाकात वेदांत महाजन से हुई तो इनकी खोई हुई हंसी वापस आ गई, क्योंकि वेदांत ने इन्हें काफी सपोर्ट किया, इन्हें काफी ज्यादा मोटिवेट किया, तब जाकर ये स्टडी पर फोकस कर पाई। ऐसे में न्यासा देवगन इसीलिए वेदांत को अपना लक मानती हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय इनका साथ दिया जब ये पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी और ये अपनी प्रॉब्लम किससे डिस्कस भी नहीं कर पा रही थी। वेदांत के आने से इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है और ये वेदांत के साथ बहुत ज्यादा खुश भी हैं। तो दोस्तों, आप वेदांत की इस खुशी से कितने खुश हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।